हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि काफी सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एलएलबी वाले बच्चों के लिए और हमारे जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए और भी काफी सारी न्यूज है, तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, कल से हमारे जो कॉलेज ओपन हुए थे तो उसमें काफी सारे जो हमारे नियम थे कोविड के उनकी धज्जियां उड़ाई गई। मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें थी। कॉलेज ओपन होने के बाद में ये सब सारी चीजें हुई। हालांकि जो कॉलेज में बच्चे काफी खुश दिखाई दिए, तो कल से हमारा जो कॉलेज थे वो ओपन हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, जो हमारे नए सत्र के एडमिशन चल रहे हैं तो उसके लिए यूजी के लिए तो पोर्टल 20 तारीख में बंद हो चुका था, और जो ऑफर लेटर की लास्ट डेट थी वो 23 तारीख थी, वो भी कल क्लोज हो चुकी है। अब जो है कॉलेज में ऑफर लेटर जमा करने हैं और उनकी मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर आपके एडमिशन होने हैं। तो यदि आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो आप ऑफलाइन कॉलेज में जाकर, या यदि उस कॉलेज में ऑनलाइन की व्यवस्था है तो वहां पर ऑनलाइन में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका नंबर उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर ले। यदि आ रहा है तो आप जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। जो ये एडमिशन की प्रक्रिया है आपकी 2 दिसंबर तक चलने वाली है। इससे आगे बात करें, जो हमारा बीडीएस का पेपर है 1 दिसंबर को, तो याद रखिएगा जो बीडीएस का हमारा 1 दिसंबर को पेपर होने वाला था कोड 015N का, वो पेपर अब 9 दिसंबर को होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को हमारा स्नातक शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। तो इस कारण से उस पेपर को अभी आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 तारीख वाला पेपर हमारा 9 में होगा। याद रखना बीडीएस वाले बच्चे, जो बीडीएस वाले बच्चों का पेपर है 015N कोड का। इससे आगे यदि हम बात करें, जो एलएलबी वाले बच्चे हैं, 3 ईयर एलएलबी वाले बच्चे, वो काफी अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, एग्जाम हुए काफी टाइम हो गया है, तो वो बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि 103 कॉलेजों में एलएलबी है, लेकिन उसके बावजूद उसमें से लगभग अभी 30 से 35 कॉलेज ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी कॉलेज से सबमिट ही नहीं हुए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक, जो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर यदि कॉलेज प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट नहीं करते हैं तो वो अपने रिजल्ट के जिम्मेदार खुद होंगे। तो उसको देखते हुए जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। 3 दिन के अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट करने के लिए कहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी रिजल्ट को लेकर काफी दबाव है। तो जो आपका रिजल्ट है नवंबर के लास्ट में, यानी कि इस नवंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 नवंबर से पहले पहले, क्योंकि जो कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स 3 दिन में चले जाएंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, जिन कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जाएंगे उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। इसी तरीके से जो बीए है, बीए के भी 20 कॉलेजों के अभी तक कॉलेज से जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो नहीं गए हैं, इसीलिए 20 कॉलेजों का बीए फाइनल ईयर का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो जिन कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं गए हैं उनका ही सिर्फ रिजल्ट रुका हुआ है। इसी तरीके से बीएड का है, जो बीएड हमारे 2 ईयर बीएड में हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी लगभग 30 से 35 कॉलेजों के मार्क्स नहीं गए हैं, कॉलेज में सबमिट नहीं हुए हैं। जब तक वो सबमिट नहीं हो पाएंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको भी आदेश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स भेजे, इस कारण से रिजल्ट रुका हुआ है। तो जितने जल्द से जल्द रिजल्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स भेजे जाएंगे इतने जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जो बीएड का रिजल्ट है, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है, वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि 30 दिसंबर से पहले पहले बीएड का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे बात करें, काफी सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी में कैंपस और कॉलेज कोर्सेज हैं तो उसमें काफी सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इनको वन बाय वन पढ़कर बताना काफी मुश्किल है। तो ये कोर्सेज का रिजल्ट आप देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, आज दोपहर 12 बजे के बाद इन कोर्सेज का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से सोमवार को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन रिजल्ट जो देखेंगे आप दोपहर 12 बजे के बाद आप इस पर देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो साथियों, यदि आप भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो डेली की अपडेट होती है मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।